Hello everyone, myself Ram Lovansi. So objective of today's session, we talk about pointers. This is very important for you. अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं उसमें कहीं ना कहीं एड्रेस इंटरनली यूज हुआ है. जैसे आप कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उस वेरिएबल का क्या होता है, एड्रेस होता है. तो हम जो पॉइंटर पढ़ने वाले हैं वो पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर बेसिकली एक वेरिएबल ही है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस क्या करता है, स्टोर करता है. सो लेट्स सी द एजेंडा ऑफ टुडे सेशन कि आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. व्हाट इज पॉइंटर, व्हाट आर द यूजेस ऑफ पॉइंटर्स, व्हाट आर पॉइंटर्स ऑपरेटर्स, हाउ टू डिक्लेयर अ पॉइंटर वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग, हाउ टू इनिशियलाइज अ पॉइंटर वेरिएबल, एंड वॉट इज कॉल बाय रेफरेंस इन सी प्रोग्रामिंग. तो ये सारे टॉपिक आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं. तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस क्या करता है, स्टोर करता है, राइट. तो हम यहाँ पर उसी का कुछ कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं. पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट कैन होल्ड एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो वैल्यू को स्टोर ना करके किसको स्टोर करता है, एड्रेस को. दे हैव अ टाइप जस्ट लाइक अ वेरिएबल्स. जैसे हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल बनाते वक्त आप उस वेरिएबल की डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी अगर आप कोई पॉइंटर बनाएंगे तो पॉइंटर की भी क्या होती है, डेटा टाइप होती है कि वो किस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है. सो फॉर एग्जाम्पल, an integer type pointer can hold the address of an integer variable. मतलब integer type का pointer variable किसी दूसरे integer variable के address को ही store कर सकता है. character pointer can hold address of character variable. float pointers can hold address of float variable. so आप ऐसा भी बोल सकते हैं, a pointer is a variable which contains the address of memory location of another variable. A pointer provides an indirect way of accessing the value of a data item. मतलब अभी जो आप variable का use करते हैं तो आप variable की value को access करने के लिए directly आप उस variable के नाम से value को access कर सकते हैं, लेकिन using pointer आप उस variable की value को variable का नाम use करके ना, बिना वेरिएबल का नाम यूज किए आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉइंटर के थ्रू आप उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट. सो पॉइंटर की अगर हम बात करें तो पॉइंटर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को इनडायरेक्ट एक्सेस करने की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंटर्स. अब हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट आर द यूजेस ऑफ पॉइंटर्स. की सर अभी तक हमने जितनी प्रोग्रामिंग की है उसमें तो पॉइंटर यूज हुआ ही नहीं, तो अब पॉइंटर पढ़ने की क्या जरूरत है, राइट. सो हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि पॉइंटर कहाँ कहाँ यूज होता है. फर्स्ट, पॉइंटर्स आर यूज टू कम्युनिकेट अबाउट मेमोरी. अगर आपको पॉइंटर आता है तो आप मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं, मेमोरी को डीएलोकेट कर सकते हैं यूजिंग सम प्रीडिफाइंड फंक्शंस जो आगे हम देखने वाले हैं. Then second, with the help of pointers, data manipulation is done with the address, so the execution of is faster. Pointers are used to return more than one value from a function. जैसे आपने इसके पहले वाली क्लास में यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ा था, वहां पर मैंने आपको बताया कि फंक्शन एक समय में एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है. अगर आपको उस फंक्शन से एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करवाना है तो ऐसा सी प्रोग्रामिंग में पॉसिबल नहीं है. पाइथन में आप कर सकते हो बट सी में ऐसा पॉसिबल नहीं है. सी में एक फंक्शन एक समय में एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, बट अगर आप पॉइंटर का यूज करके उस वेरिएबल का एड्रेस पास कर दें तो आप वहां से एक से ज्यादा वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं. तो वो हम कॉल बाय रेफरेंस में देखेंगे, राइट. सो नेक्स्ट, pointers are used to allocate dynamic memory. Basically, दो टाइप का memory allocation होता है. अभी तक हमने जितने भी program बनाए हैं उनमें memory allocation होता है कब, compile time पे, या उसी को static memory allocation भी बोला जाता है. Then second,
जैसे आपने कोई वेरिएबल बनाया, वो वेरिएबल अगर फंक्शन के अंदर है, आपने कोई एरे डिक्लेयर किया, आपने मान लीजिए कि कोई ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो इन सब को मेमोरी कंपाइल टाइम पे ही एलोकेट होती है, और जो कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट होती है उसको स्पेस मिलता है स्टैक एरिया में। ठीक, तो यहाँ पर पॉइंटर्स आर यूज टू एलोकेट डायनामिक मेमोरी। पॉइंटर के थ्रू आप रन टाइम पर भी मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं, और जो डायनामिकली मेमोरी एलोकेट होगी उसको स्पेस मिलता है हीप में। राइट, द नेक्स्ट, पॉइंटर्स आर यूज टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर। अगर आपको सी प्रोग्रामिंग के थ्रू डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है तो आपको पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, बिना पॉइंटर के आप सी के थ्रू डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स के काफी कुछ यूजेस है, जिसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हुए। देन नेक्स्ट कि सर व्हाट आर द पॉइंटर्स ऑपरेटर्स, कि वो कौन कौन से ऑपरेटर्स है, अगर हम पॉइंटर का यूज करके कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज करना चाहिए। तो सबसे पहला ऑपरेटर्स होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। अभी तक जो आप स्कैनफ फंक्शन के साथ यूज करते आए हैं वो ऑपरेटर आपका क्या कहलाता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। अगर आप किसी वेरिएबल के नाम के साथ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा देते हैं तो वो उसकी वैल्यू को पॉइंट ना करके किसको पॉइंट करेगा, उस वेरिएबल के एड्रेस को। राइट, और पॉइंटर्स ओनली वर्क विथ वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि पॉइंटर क्या रखता है, एड्रेस, और एड्रेस किसका होता है, वेरिएबल का। ओके, सो दिस इज अ यूनरी ऑपरेटर, रिटर्न द मेमोरी एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, एंड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर वर्क विथ ओनली वेरिएबल। जैसे आप क्या लिखेंगे, एड्रेस ऑफ ए अगर आप लिखते हैं तो ये ए वेरिएबल का एड्रेस क्या करता है, रिटर्न। एड्रेस ऑफ बी लिखते हैं इसका मतलब वो बी वेरिएबल का एड्रेस क्या करता है, रिटर्न। तो बेसिकली एड्रेस क्या होता है, जैसे ही आपने कोई वेरिएबल बनाया और जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है तो आपका सिस्टम उस वेरिएबल के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है, उस पर्टिकुलर एड्रेस पे वैल्यू क्या होती है, स्टोर होती है। ठीक, मैं कभी भी ऐसा नहीं लिख सकता कि सर एड्रेस ऑफ फोर और एड्रेस ऑफ फाइव, क्यों, क्योंकि कॉन्स्टेंट का एड्रेस नहीं होता है, कॉन्स्टेंट आर फिक्स्ड वैल्यू। राइट, तो यहां पर कब आप एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे, जब भी आपको पॉइंटर को इनिशियलाइज करना है तो हमेशा पॉइंटर को एक ही तरीके से इनिशियलाइज किया जा सकता है कि वो क्या रिटर्न करेगा, उसका एड्रेस। दूसरा, जब आप कॉल बाय रेफरेंस फंक्शन पढ़ेंगे, जब आपको उस वेरिएबल का एड्रेस पास करना होगा तब भी आप एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो बेसिकली एड्रेस ऑफ ऑपरेटर दो प्लेस पे यूज होता है, जब आप पॉइंटर को इनिशियलाइज करेंगे, दूसरा कब, जब आप पॉइंटर के थ्रू किसी फंक्शन को कॉल करेंगे अगर आपको उसका एड्रेस पास करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हेन वी यूज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर इन अ पॉइंटर। देन सेकंड ऑपरेटर, दिस इज वैल्यू एट एड्रेस, मतलब इसी को आप वैल्यू एट ऑपरेटर बोल सकते हैं, इसको आप इनडायरेक्शन ऑपरेटर बोल सकते हैं, इसी को आप डी रेफरेंस ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। अगर आप किसी पॉइंटर वेरिएबल के नाम के साथ स्टार लगा देते हैं तो वो उस वेरिएबल का एड्रेस पॉइंट ना करते हुए उस पॉइंटर वेरिएबल के पास जिस वेरिएबल का एड्रेस होगा उसको क्या करेगा, पॉइंट। ओके, सो ये भी एक यूनरी ऑपरेटर है, रिटर्न द वैल्यू कंटेंट इन द मेमोरी लोकेशन। A pointer can be represented by a combination of asterisk with a variable name. यहाँ पर star symbol आप दो प्लेस पे यूज करते हैं, पहला कब, जब आपको pointer को डिक्लेयर करना होगा तब, दूसरा कब, जब आपको उस pointer के पास जो एड्रेस है उस एड्रेस की वैल्यू आपको एक्सेस करना हो तब। तो बेसिकली ये दो ऑपरेटर सबसे ज्यादा यूज होते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और दूसरा वैल्यू एट एड्रेस। ओके, so I hope you aware the concept what are the pointer operator. So we move on next, how to declare a pointer variable in C programming. जिस तरीके से आप वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे ही आप कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल्स। ठीक, बट अगर आप किसी वेरिएबल के नाम के साथ स्टार लगा दें या उस डेटा टाइप के बाद में आप स्टार लगा दें तो वो वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल ना होके
आपका एक पॉइंटर वेरिएबल हो जाएगा। अगर आप स्टार नहीं लगाएंगे तो वो नॉर्मल वेरिएबल ही होगा। कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि आपने जो वेरिएबल बनाया है वो आपका पॉइंटर वेरिएबल ही है। ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल। अ पॉइंटर डिक्लेरेशन नेम्स अ पॉइंटर वेरिएबल एंड स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट टू विच द वेरिएबल होल्ड्स द एड्रेस। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड एज अ पॉइंटर होल्ड्स अ मेमोरी एड्रेस। सिंटैक्स यहाँ पर दोनों वैलिड है। आप वेरिएबल के नाम के साथ भी स्टार लगा सकते हैं और आप डेटा टाइप के साथ भी स्टार लगाएंगे, लेकिन डेटा टाइप के बाद, डेटा टाइप के पहले नहीं लगाएंगे। ऐसे ही वेरिएबल के बाद भी आपको स्टार यूज नहीं करना। वेरिएबल के, अगर वेरिएबल के नाम के साथ लगा रहे हैं तो वेरिएबल के नाम के पहले, और डेटा टाइप के साथ अगर आप स्टार लगा रहे हैं तो डेटा टाइप के बाद में। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया है, इंट स्पेस स्टार पीटीआर। अब अगर इस पीटीआर वेरिएबल के साथ मैंने स्टार लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा वेरिएबल है जो एड्रेस स्टोर करेगा। अगर मैं यहाँ से स्टार रिमूव कर देता हूं तो वो नॉर्मल वेरिएबल होगा जो कि वैल्यू स्टोर करता है। सो वेयर डेटा टाइप इज अ टाइप ऑफ पॉइंटर वेरिएबल सच एज इंट, केयर, फ्लोट, डबल, पॉइंटर वेरिएबल नेम इज द एनी वैलिड सी आइडेंटिफायर। पॉइंटर का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे आप वेरिएबल का नाम देते हैं, बट आपको स्टार सिंबल लगाना है या तो डेटा टाइप के साथ या फिर वेरिएबल के नाम के बाद में। ओके, तो इस तरीके से आप पॉइंटर को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप, मैंने एक नॉर्मल वेरिएबल बनाया है और दूसरा पॉइंटर वेरिएबल बनाया, तो यहाँ पर आपने लिखा इंट वेर, दिस इज नॉर्मल वेरिएबल। सो वेरिएबल की कुछ स्टेट्स होती है, वेरिएबल कहने हुआ नेम, वेरिएबल कहने हुआ वैल्यू, वेरिएबल कहने हुआ एड्रेस, वेरिएबल कहने हुआ साइज कि वो मेमोरी में कितने बाइट का स्पेस लेगा, राइट। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आप जो वेर देख रहे हैं, जहां पर लास्ट में मैंने लिखा वेरिएबल, दिस इज अ नॉर्मल वेरिएबल, ठीक, और आपने उस वेरिएबल को वैल्यू क्या असाइन की, 56। फिर राइट हैंड साइड में मैंने एक और वेरिएबल बनाया पीटीआर, बट पीटीआर इज अ पॉइंटर वेरिएबल, नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल। तो पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। तो यहाँ पर पीटीआर और नेम, जो वेर नाम का वेरिएबल है, दोनों इंटीजर टाइप के वेरिएबल है। नॉर्मल वेरिएबल भी इंटीजर है और पॉइंटर वेरिएबल भी क्या है, इंटीजर है, राइट। तो जब आप ऐसा लिखते हैं कि सर पीटीआर इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, इसका मतलब क्या है कि आप पॉइंटर को किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस क्या कर रहे हैं, असाइन, ठीक। लेकिन जो पॉइंटर वेरिएबल बनाया है उसका खुद का भी एड्रेस होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि एड्रेस चेंज हो जाएगा। जो पॉइंटर के पास एड्रेस है वो एड्रेस चेंज हो सकता है, बट पॉइंटर का खुद का भी क्या है, एक एड्रेस। ओके, अब जैसे ही आपने लिखा है कि सर पीटीआर इक्वल टू एड्रेस ऑफ वेर, तो जो पीटीआर नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल आपने बनाया है वो किसको पॉइंट करेगा, 6356732। क्यों? क्योंकि आपने पीटीआर को क्या दिया, एड्रेस। क्यों? क्योंकि पॉइंटर लेता ही एड्रेस है। अब अगर आपके पास उस वेरिएबल का एड्रेस है तो इनडायरेक्टली आप उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे, स्टार स्टार पीटीआर। अगर आप स्टार और पीटीआर लिखते हैं, इसका मतलब फिर वो एड्रेस को पॉइंट ना करके किसको पॉइंट करेगा, उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको। तो वहां पर जो 6356732 एड्रेस है उस पे वैल्यू क्या है, 56। तो डेफिनेटली 56 विल बी प्रिंटेड। लेट्स सी द एग्जांपल, एक बार इनिशियलाइज करना हो, देख लेते हैं कि सर हाउ टू इनिशियलाइज अ पॉइंटर वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग। तो जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया है उसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, सिंपली डिक्लेयरिंग अ पॉइंटर इज नॉट इनफ, इट इज इंपॉर्टेंट टू इनिशियलाइज पॉइंटर बिफोर यूज। वन वे टू इनिशियलाइज अ पॉइंटर इज टू असाइन एड्रेस ऑफ सम वेरिएबल। सो लेट्स सी एग्जांपल, पॉइंटर वेरिएबल का नाम इक्वल, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे, एड्रेस ऑफ वेरिएबल नेम, उस वेरिएबल का नाम जिसका एड्रेस आप पॉइंटर को देना चाह रहे हैं, बट वेरिएबल के नाम के साथ कंपल्सरीली आपको उसका उसका एड्रेस असाइन करना है, तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर आपको यूज करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर आपने एक वेरिएबल बनाया इंट स्पेस वेर इक्वल टू 56, दिस इज नॉर्मल वेरिएबल, और फिर मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया इंट स्टार पीटीआर। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ आई पीटीआर इक्वल टू एड्रेस ऑफ वेर, तो आई पीटीआर या पीटीआर के पास क्या होगा, उस वेर नाम के वेरिएबल का एड्रेस, ठीक। तो हम यहाँ पर वापिस आते हैं इस पर, अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे।
अभी जो मैंने आपको बताया है उसी का यूज करके पॉइंटर एग्जांपल। ठीक, तो अब हम स्क्रीन पे मेन फोकस करेंगे, मैं वीडियो को कर दे रहा हूँ। पॉइंटर एग्जांपल हैज इंक्लूड, हेडर फाइल लगाएंगे stdio.h वर्ड में, और यहां पर आप देखेंगे कि आपने एक नॉर्मल वेरिएबल बनाया वेर और उसकी वैल्यू है 56, और फिर मैंने एक नॉर्मल पॉइंटर वेरिएबल बनाया स्टार ptr। आप यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कमेंट मैंने यूज किया है कि इन भाई आप स्टार डेटा टाइप के साथ भी लगा सकते हैं और आप पॉइंटर वेरिएबल के नाम के साथ भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही यूज करेंगे भी, है ना, दोनों यूज नहीं करना है। ठीक, बोथ आर वैलिड पॉइंटर डिक्लेरेशन, राइट। सो अब आप पॉइंटर को इनिशियलाइज करेंगे तो आपने क्या लिखा, ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ वेर, मतलब आपने उस वेरिएबल का एड्रेस दे दिया। अब मुझे अगर मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं कि सर वैल्यू ऑफ परसेंटेज डी, और यहां पर मैंने सिर्फ लिख दिया ptr, तो ये उस पॉइंटर का एड्रेस प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, एड्रेस, जबकि आपको प्रिंट क्या करना है, ये आ रहा ना 642216 एड्रेस इज द एड्रेस। आप चाहे तो यहां पर दोनों का एड्रेस भी प्रिंट करवा लीजिएगा। हाउ टू प्रिंट एड्रेस ऑफ वेरिएबल, एड्रेस ऑफ नॉर्मल वेरिएबल परसेंटेज डी, और यहां पर क्या लिख देंगे आप, एड्रेस ऑफ वेरिएबल का नाम वेर। फिर अगर आपको पॉइंटर का भी एड्रेस प्रिंट करवाना, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ना, तो यहां पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एड्रेस ऑफ पॉइंटर वेरिएबल, भाई हर एक वेरिएबल का एड्रेस अलग अलग होता है। ठीक, इसके बाद फिर जब आप मॉडिफिकेशन कर देंगे उसके बाद भी आप प्रिंट करवाएंगे तो एड्रेस जो है पॉइंटर का एड्रेस अलग होगा और जो नॉर्मल वेरिएबल आपने बनाया है उसका एड्रेस क्या होगा, अलग होगा। तो आप देखिए यहाँ पर एड्रेस ऑफ नॉर्मल वेरिएबल क्या आ रहा है, 642216 है। अच्छा, पॉइंटर के साथ मैंने यहाँ वेरिएबल का नाम चेंज किया ना, ये ptr और यहाँ पर क्या हो जाएगा ptr। ठीक, फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो आप देखेंगे नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस अलग है और पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस क्या है, अलग है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि जैसे मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था कि जो नॉर्मल वेर वेरिएबल बनाया उसका एड्रेस अलग होगा और जो आपने पॉइंटर वेरिएबल बनाया उसका एड्रेस अलग होगा। तो यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस क्या है, लास्ट में 72। तो अगर आप ऐसा लिखते हैं तो एड्रेस ऑफ पॉइंटर विल बी प्रिंट, किसका एड्रेस प्रिंट करेगा, पॉइंटर का एड्रेस। ठीक, अब आई वॉन्ट टू प्रिंट वैल्यू ऑफ दैट एड्रेस, मतलब पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है उसके पास जो एड्रेस है मुझे उसकी वैल्यू प्रिंट करवाना है, तो यहां पर आप लगा देंगे वैल्यू एट ऑपरेटर। तो यहां पर आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ पॉइंटर विल बी value of address will be printed, right? तो यहां पर देखेंगे definitely 56 will be print। तो आप यहां पर एक तरीके से देखेंगे कि आपने directly where variable का नाम use ना करते हुए indirectly उस variable की value को क्या कर लिया है, access। Okay, so this is the first example, then we move on next example। आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर। आपने यहाँ पर पॉइंटर को डिक्लेयर किया, फिर इस वाली लाइन में आपने पॉइंटर को इनिशियलाइज किया, देन उसके बाद इस वाली लाइन में आपने पॉइंटर, ये एड्रेस मैंने सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए प्रिंट किया है कि पॉइंटर का अलग एड्रेस होता है और आपने जो वेरिएबल बनाया उसका अलग एड्रेस होता है। अगर मैं पॉइंटर को इनिशियलाइज कर भी देता हूँ तो जो पॉइंटर का एड्रेस हो वो एड्रेस आपका चेंज नहीं होगा, वो एड्रेस हमेशा क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। ओके,
So let's see the next example. Write a C program to print sum of two numbers using pointer. मतलब अब आपको दो नंबर को एड करने का प्रोग्राम बनाना है और उसमें आप क्या यूज करेंगे? पॉइंटर. ओके तो यहां पर हम एग्जांपल देखेंगे. तो अब देखिए, आप एडिशन करोगे यूजिंग पॉइंटर, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, यहां पर आपको दो नॉर्मल वेरिएबल बनाना पड़ेगा और दो आप कौन से वेरिएबल बनाएंगे? पॉइंटर वेरिएबल, राइट. सो एडिशन यूजिंग पॉइंटर, तो आप सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे stdio.h, देन void main. So first we declare two variable a comma b, or we also declare two pointer variable p1 or p2. ठीक, आप चाहें तो a और b variable की value user से input ले लीजिएगा. enter value of a, scanf percentage d address of a, enter value of b, address of b. ठीक, तो ये दो वैल्यू. अब आपने अभी सिर्फ a और b वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, तो यहां पर दिस इज डिक्लेयर टू नॉर्मल वेरिएबल और यहां पर आपने डिक्लेयर टू पॉइंटर वेरिएबल. इस लाइन में कमेंट में आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, उसकी जरूरत नहीं. डिक्लेयर टू पॉइंटर वेरिएबल, राइट. इसके बाद यहां पर आपने क्या किया? इनिशियलाइज ए वेरिएबल, मतलब ए वेरिएबल को आपने कुछ वैल्यू असाइन कर दिए, और सेम इनिशियलाइज बी वेरिएबल. अभी सिर्फ आपने नॉर्मल वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसको इनिशियलाइज किया. अब आपको किसको इनिशियलाइज करना है? पॉइंटर वेरिएबल को. तो पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करते वक्त आप कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट. तो यहां पर आप क्या लिखेंगे कि सर पी वन इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, मतलब पी वन को आपने क्या असाइन कर दिया? ए वेरिएबल का एड्रेस. ठीक, फिर मैंने यहां लिखा कि सर पी टू इक्वल टू एड्रेस ऑफ बी. इट मींस कि मैंने पी टू को किसका एड्रेस असाइन कर दिया? बी का. अब अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि सर प्रिंटर एडिशन यूजिंग पॉइंटर, यहां पर आप देखेंगे आपने किसको इनिशियलाइज किया? पॉइंटर को. इनिशियलाइज अ पॉइंटर वेरिएबल. ठीक, अब फिर मैं यहां पर प्रिंट करवाता हूं कि सर पी वन प्लस पी टू. अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप दो एड्रेस को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है. जबकि आपको एड्रेस किसको करना है? ऐड किसको करना है? उस एड्रेस पर जो वैल्यू होगी उसको. तो यहां पर अब आप देखेंगे, अगर मैं पी वन पी टू के पास ए और बी का एड्रेस है और ए और बी के पास वैल्यू है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? स्टार ऑफ पी वन प्लस स्टार ऑफ पी टू. बिल्कुल. क्यों? क्योंकि अगर आप किसी ऑपरेटर के साथ वैल्यूएट लगा, पॉइंटर वेरिएबल के साथ वैल्यूएट लगा देते हैं, तो उसका मतलब क्या होगा कि उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी. क्या हो जाएगी? उस वेरिएबल की उस वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस हो जाएगी. स्टार ऑफ पी वन मतलब पी वन के पास जो एड्रेस है उसकी वैल्यू, स्टार ऑफ पी टू मतलब पी टू के पास जो एड्रेस है उसकी वैल्यू. तो डेफिनेटली यहाँ पर आपने जो वैल्यू इंटर की होगी उसके अकॉर्डिंग आपको दो नंबर का एडिशन करके रिजल्ट क्या हो जाएगा? 100. सो फर्स्ट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, एंटर वैल्यू ऑफ ए 12 to 13. तो आप देखिए एडिशन यूजिंग पॉइंटर, दिस इज 25. तो जितने भी प्रोग्राम आपने अभी तक विदाउट पॉइंटर बनाए, इस तरीके से आप पॉइंटर का यूज करके वो प्रोग्राम बना सकते हैं. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड.
यहाँ पर पहले मैंने दो नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर किए, फिर दो हमने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किए, और फिर हमने नॉर्मल वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, फिर हमने पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, उसके बाद हमने पॉइंटर के थ्रू ए और बी की वैल्यू को इनडायरेक्टली एक्सेस करके उन दोनों को एड करवा दिया। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू डिक्लेयर अ पॉइंटर वेरिएबल, हाउ टू इनिशियलाइज अ पॉइंटर वेरिएबल एंड हाउ टू एक्सेस वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल यूजिंग पॉइंटर। ओके, सो नेक्स्ट, नेवर अप्लाई द इनडायरेक्शन ऑपरेटर टू द अनइनिशियलाइज पॉइंटर। मतलब ये है इसका कि मान लीजिए आपने नॉर्मल वेरिएबल बनाया ही नहीं, आपके पास क्या नहीं है, आपने पॉइंटर को इनिशियलाइज ही नहीं किया, आपने सिर्फ पॉइंटर को क्या किया, डिक्लेयर किया, और अब आप वहां पर एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक, यहां पर अगर हम इसको हम बोल सकते हैं अनइनिशियलाइज पॉइंटर। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। क्यों? क्योंकि पॉइंटर के पास जब किसी वेरिएबल का एड्रेस ही नहीं है तो आप उस एड्रेस की वैल्यू को कैसे ऐड कर सकते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि पॉइंटर के पास होता है एड्रेस और उस एड्रेस पे होती है वैल्यू। जब एड्रेस ही नहीं है तो आप कैसे परफॉर्म करेंगे? तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप पॉइंटर यूज करें तो आप उसे इनिशियलाइज करें इंट ए और बी। मैंने सिर्फ क्या इनिशियलाइज किया, ए और बी वेरिएबल को डिक्लेयर किया, और फिर मैंने यहाँ पर पी को क्या, पी वन इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए और पी टू इक्वल टू एड्रेस ऑफ बी। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ए और बी लोकल वेरिएबल है, आपने उसको डिक्लेयर किया है ए और बी वेरिएबल को, बट इनिशियलाइज नहीं किया, तो आपका सिस्टम उसे किससे इनिशियलाइज कर देगा, गार्बेज वैल्यू से। अब आप देखेंगे कि गार्बेज वैल्यू में अगर आप कुछ भी ऐड करोगे तो रिजल्ट ऑलवेज विल बी गार्बेज, बट यहाँ पर कोई कंपाइल टाइम पे एरर नहीं आएगी, आपका प्रोग्राम कंपाइल भी होगा और रन भी होगा। ओके, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर ए और बी वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, तो एडिशन यूजिंग पॉइंटर आपका जो आ रहा है दिस इज द गार्बेज वैल्यू। ओके, अब दूसरा ये है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि सर व्हाट इज अनइनिशियलाइज पॉइंटर। नेवर अप्लाई द इनडायरेक्शन ऑपरेटर टू द अनइनिशियलाइज पॉइंटर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है कि सर हाउ टू चेंज वैल्यू ऑफ द वेरिएबल यूजिंग पॉइंटर। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल डिक्लेयर किए और उसमें गार्बेज वैल्यू, मैं क्या क्या पॉइंटर के थ्रू उसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स, तो आप यहाँ पर ऐसा लिखेंगे कि सर स्टार ऑफ पी वन इक्वल टू 10 और स्टार ऑफ पी टू इक्वल टू 20। अगर आप डिक्लेयर करने के बाद, दिस इज पॉइंटर डिक्लेरेशन, फिर आपने यहाँ लिख दिया कि सर पी वन इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, पी टू इक्वल टू एड्रेस ऑफ बी, मतलब आपको पॉइंटर को तो इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा, तब आप इनडायरेक्शन ऑपरेटर यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप ऐसा लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, पी वन के पास जो एड्रेस है वहां पर क्या वैल्यू हो जाए, 10, और स्टार ऑफ पी टू का मतलब पी टू के पास जो वैल्यू हो वहां पर क्या हो जाए, 20। तो आप चाहे तो दोनों की वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हो कि सर वैल्यू ऑफ ए, इनडायरेक्टली मैं एक्सेस कर रहा हूं, यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, स्टार ऑफ पी वन, और सेम कॉन्सेप्ट किसके लिए हो जाएगा, बी के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ बी दिस स्टार ऑफ पी टू, देन कंपाइल, ओह सेमीकोलन मिस कर दिया, सॉरी। ठीक, तो इस तरीके से आप पॉइंटर का यूज करके किसी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो, स्लैश एन लगा दीजिएगा ताकि आउटपुट आपका अलग अलग लाइन में आए, राइट? सो फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो वैल्यू ऑफ ए 10, वैल्यू ऑफ बी 20, एडिशन यूजिंग पॉइंटर दिस इज 30। सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू चेंज वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाई यूजिंग पॉइंटर। ठीक, सो लेट सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। असाइनिंग वैल्यू टू अनइनिशियलाइज पॉइंटर इज डेंजरस। मतलब कि मैंने जब पॉइंटर डिक्लेयर किया, पॉइंटर को इनिशियलाइज नहीं किया, और मैं उसको क्या इनिशियलाइज क्या असाइन कर रहा हूं, 10 और 20, दिस इज अनइनिशियलाइज पॉइंटर। अब आप जब पॉइंटर के पास एड्रेस ही नहीं है तो किस एड्रेस की वैल्यू को 10 और 20 करेगा,
अगर आप इस तरीके से यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो प्रोग्राम है वो एबनॉर्मली क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। मतलब अगर आपने पॉइंटर वेरिएबल बनाया देन यू हैव टू इनिशियलाइज, अदरवाइज नो यूज ऑफ द पॉइंटर्स। मतलब पॉइंटर को यूज करने के पहले कंपल्सरीली आपको उसको इनिशियलाइज करना, अगर फिर उसके बाद आप इनडायरेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपका कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। The next, what is called by reference in C programming? Last class में मैंने आपको call by value बताया था, आज हम देखेंगे कि sir what is called by reference? Okay? So here both actual and formal parameter, जब आप किसी function की definition दे रहे होते हैं तो definition देते वक्त आप जो भी parameter pass करते हैं उसे बोला जाता है फॉर्मल पैरामीटर, और जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं और कॉल करते वक्त आप जो भी पैरामीटर पास करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर और एक्चुअल आर्गुमेंट। तो यहाँ पर बेसिकली दो फंक्शन है, एक है मेन और दूसरा है एबीसी। तो मेन फंक्शन में मैंने ए और बी नाम से एक दो वेरिएबल बनाए, और फिर एबीसी फंक्शन में भी मैंने एज अ पैरामीटर ए और बी नाम के दो पॉइंटर वेरिएबल बनाए। भाई कॉल बाय रेफरेंस में ऑब्वियसली पॉइंटर वेरिएबल ही होगा, ठीक। तो यहाँ पर ये आपका पॉइंटर विद फंक्शन का एग्जांपल भी होगा, ठीक। तो जब आप एड्रेस पास करेंगे तो आप 10 मतलब उस वेरिएबल कॉल बाय वैल्यू में क्या होता था, उस वेरिएबल की वैल्यू कॉपी होती थी, बट कॉल बाय रेफरेंस में उस वेरिएबल का एड्रेस कॉपी होता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे होते हैं। अब अगर आप फॉर्मल पैरामीटर में चेंज करेंगे तो डेफिनेटली एक्चुअल पैरामीटर विल बी रिफ्लेक्टेड, बिकॉज दोनों सेम मेमोरी को क्या कर रहे हैं, पॉइंट। हियर बोथ एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स रिफर्स टू सेम मेमोरी एड्रेस, देयरफॉर एनी चेंजेस मेड टू द फॉर्मल पैरामीटर विल गेट रिफ्लेक्टेड टू एक्चुअल पैरामीटर। जबकि कॉल बाय वैल्यू में ऐसा नहीं होता था, कॉल बाय वैल्यू में फंक्शन का कंट्रोल उससे बाहर गया तो लोकल वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाते थे, मतलब एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर पाते थे, बट कॉल बाय रेफरेंस में ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम मेमोरी एड्रेस को क्या कर रहे हैं, पॉइंट। ठीक, अभी एग्जांपल देखेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज कॉल बाय रेफरेंस? द कॉल बाय रेफरेंस मेथड ऑफ पासिंग आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन कॉपीज द एड्रेस ऑफ एन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर्स Inside the function, the address is used to access the actual argument used in the call. It means the changes made to the parameter affect the past argument. So let's see the example. What is call by reference? तो यहाँ पर मैं example आपको बता रहा हूँ किसका, call by reference का। Let's include stdio.h. एक फंक्शन आपने डिक्लेयर किया void abc, कोई भी नाम दे दीजिएगा। ये आपसे दो पॉइंटर पॉइंटर टाइप के दो पैरामीटर मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया, दिस इज नोन एज प्रोटोटाइप। अगर आप किसी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं उसी को उस फंक्शन का प्रोटोटाइप बोला जाता है। अब आप इसकी डेफिनेशन देंगे, void abc int star a comma int star b, दिस इज फॉर्मल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल पैरामीटर। इसको आप क्या बोल सकते हैं कि सर दिस वन इज फॉर्मल पैरामीटर, ठीक। और फिर अब मैंने यहाँ पर एक मेन मेथड बनाया है और इस मेन के अंदर मैंने दो वेरिएबल लिए int a और b। फॉर्मल पैरामीटर भी लोकल वेरिएबल की तरह ही वर्क करते हैं, तो फॉर्मल पैरामीटर का खुद का भी अपना एड्रेस होगा। और फिर मैंने यहाँ पर जो है एबीसी फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पर ए और बी का एड्रेस क्या कर दिया है, पास। फिर एड्रेस पास करने के बाद मैंने मेन मेथड में इसको प्रिंट करवा दिया कि सर इन मेन, मेन मेथड के अंदर ए और बी लोकल नॉर्मल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल है, राइट। तो यहाँ पर इसमें वैल्यू एट ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप प्रिंट करवाएंगे कि सर ए इक्वल टू परसेंटेज डी, b इक्वल टू परसेंटेज d, और यहाँ पर a कॉमा b, ठीक। आप चाहें तो लाइन चेंज करने के लिए आप यहाँ पर स्लैश लगा सकते हैं,
और सेम काम में कौन से फंक्शन में, जो एबीसी फंक्शन बनाया उसमें भी मैंने किया है। ठीक, आप चाहें तो फंक्शन को कॉल करने के पहले भी प्रिंट करवा सकते हैं, बट अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पर गार्बेज वैल्यू ही प्रिंट होगी। क्यों? क्योंकि आपने मेन मेथड में जो वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर किए हैं उसको इनिशियलाइज नहीं किया, तो आपका सिस्टम उसे गार्बेज से इनिशियलाइज कर देगा, राइट। फिर जब आपने एबीसी, यहाँ पर एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी, अब गार्बेज वैल्यू कॉपी नहीं होगी, क्या कॉपी होगा? इस ए वेरिएबल का एड्रेस और बी वेरिएबल का एड्रेस। ठीक, अब इस ए के पास इस ए वेरिएबल का एड्रेस होगा और इस बी के पास इस बी वेरिएबल का एड्रेस होगा। तो जब मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ कि सर स्टार ऑफ ए इक्वल टू 10, मतलब इस ए के पास जिसका एड्रेस है उसकी वैल्यू क्या हो जाए 10, स्टार ऑफ बी इक्वल टू 20, मतलब इस बी वेरिएबल के पास जिसका एड्रेस है उसकी वैल्यू क्या हो जाए 20, तो वो वैल्यू आप यहां से चेंज करोगे तो वो यहां पर क्या होगी, अफेक्ट होगी, राइट। इसके बाद अगर मैं प्रिंट करवाता हूं तो यहां पर ये ए और बी पॉइंटर वेरिएबल है, तो आप यहां पर वैल्यू एट ऑपरेटर आपको यूज करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे कि एबीसी फंक्शन में भी अगर आप चेंज, मतलब चेंज किया है, तो मेन फंक्शन में भी आपका चेंजेस आपको शो करेगा। सो दिस इज नोन एज कॉल बाय रेफरेंस। ठीक, ओह देखिए, इन मेन पहले प्रिंट करवाया ए इक्वल टू 33 और बी इक्वल टू 33, दिस इज गार्बेज वैल्यू। क्यों? क्योंकि आपने उस फंक्शन को कॉल करने के पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया, तो पहले प्रिंट करवाएंगे तो गार्बेज वैल्यू ही प्रिंट होगी ना। फिर आपने एबीसी फंक्शन को कॉल किया, तो वहां पर से आपने एबीसी फंक्शन से मेन फंक्शन के ए और बी वेरिएबल का एड्रेस था उसके पास, इसलिए आपने वहां से जो वैल्यू चेंज की वो यहाँ पर भी इफेक्ट करेगा। और जब फंक्शन वापस आपका कंट्रोल इसमें आएगा और मेन में आप प्रिंट करवाएंगे, तो डेफिनेटली 10 विल बी प्रिंटेड। तो हियर दिस इज फॉर्मल पैरामीटर और दिस वन इज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, बट यहां पर इस ए का एड्रेस इस एम ए कॉपी होगा और इस बी का एड्रेस बी वेरिएबल में क्या होगा, कॉपी होगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉल बाय रेफरेंस इन सी प्रोग्रामिंग। ओके, दिस इज नोन एज डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। ये आपकी क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन। राइट, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। Okay, so this is the last of today's session. So let's review the session. आज हमने क्या क्या देखा, what is pointer, what are the uses of pointers, what are pointers operator, value at और address of operator हमने यहाँ पर use किया, pointer को declare कैसे करते हैं, initialize कैसे करते हैं, pointer की value को access कैसे करते हैं, और उसके ऊपर अगर आपको modification करना है तो वो कैसे करेंगे। लास्ट में हमने देखा व्हाट इज कॉल बाय रेफरेंस इन सी प्रोग्रामिंग। तो आज का सेशन यही था, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ओके, थैंक यू।